आज हम दूध से आपको आइसक्रीम बनाकर दिखाएंगे, कस्टर्ड पाउडर से। सिर्फ दो चीजों से हमने आइसक्रीम बनाई है। ये कितनी टेस्टी आइसक्रीम बनी है हमारी, देखिए कैसे बनाते हैं। इसे बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद होती है, सभी शौक से खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कंसल रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको मार्केट जैसी बिल्कुल आइसक्रीम जमा कर दिखाएंगे। देखिए ये हमारा 1 लीटर दूध है। हम इसे दूध को बर्तन में करेंगे। ये मलाई वाला फुल क्रीम दूध है, देख सकते हैं आप। तो हम इसे गैस पर रखेंगे। दूध गैस पर रख दिया है, इसमें एक उबाल आने तक उबाल लगाएंगे। दूध को हम अच्छे से पकाते रहेंगे। देखो कितना हमारा दूध कम हो गया है पकते पकते। और इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे आधी चम्मच। देखिए हमने 1 चम्मच दूध निकाल लेंगे इसमें से, और इसमें हम केसर के धागे डालेंगे। देखिए दूध निकाल लिया हमने, कुछ केसर के धागे डाल देंगे हम इसमें। देखिए केसर वाला दूध हम उसमें डाल देंगे अपने गैस पे जो पक रहा है हमारा। इसे बहुत अच्छा कलर आ जाता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है आइसक्रीम का। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। देखिए 1 कटोरी चीनी है हमारी, क्योंकि हमारा दूध भी 1 लीटर है, ज़्यादा है, चीनी डाल देंगे। देखिए चीनी को पकाएंगे इसी में। अभी दूध को हम और पकाएंगे, इससे दूध हमारा काफ़ी कम हो जाएगा। ये दूध अच्छे से पक रहा है हमारा, कितना गाढ़ा हो गया है आप देख सकते हैं। और इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। 2 तरह के कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, ये 2 फ्लेवर के हैं हमारे। चम्मच ये वाला कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे हम, जो केसर पिस्ता का है। और ये 2 चम्मच ये वाला ले लेंगे हम स्ट्रॉबेरी का। देखिए हम इसने 2 चम्मच ले लिया है। इसमें थोड़ा सा हम दूध डालकर इसको घोलेंगे। ये हम ठंडे दूध में घोलेंगे, जिससे हमारे लम्स ना पड़ने के हैं। देखिए कितने अच्छे से घुल गया हमारा। अब ये हम अपने दूध में मिक्स कर देंगे। देखिए थोड़ा थोड़े हम दूध में डालते चले जाएंगे, इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी डालेंगे। ये हमारी बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनके तैयार होगी। ये 2 चम्मच हमने ले लिया है, इसे भी हम थोड़े से दूध में घोलेंगे। ये हमने ठंडा दूध लिया है। ये बहुत टेस्टी आइसक्रीम लगती है हमारी। इसमें 2 फ्लेवर मिलकर बहुत ही टेस्ट आएगा अच्छा। मार्केट से जैसी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी घर पर ही। घोल गया हमारा, और धीरे धीरे इसको भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, चलाते रहेंगे। देखिए दूध का कलर कितना अच्छा हो गया है, लाइट पिंक कलर हो गया हमारा। देखिए दूध में भी गाढ़ापन हो गया है। देखिए हमारा दूध जमने के लिए तैयार है आइसक्रीम के लिए। देखिए गाढ़ा सही हो गया हमारा इस टाइम। और हम गैस को बंद कर देंगे और दूध को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे हम। आइसक्रीम रूम टेम्परेचर पर आ गई है और थोड़ी ठंडी हो गई है। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है हमारी रखी रखी। अब हम इसे एक बर्तन में करेंगे जमाने के लिए। देखिए कलर के लिए हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल देंगे इसमें। देखिए 2 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाल दिया हमने, इससे हमारा कलर बहुत अच्छा आ जाएगा आइसक्रीम का। देखिए बिल्कुल लाल कलर आ गया है। हम ये अपनी आइसक्रीम में मिला देंगे। जमाने वाले बर्तन में रख कर दिया है। अब इस पर हम खरूज खरबूजे की मिंग डालेंगे। देखिए ये बहुत अच्छी लगती है। कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, फ्रूट डाल देंगे हम। ये काजू बादाम पिस्ते हमने काट कर रख लिए थे पहले से ही, अब ये हम डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारी तैयार हो गई है। और हम इसे ढककर 2 घंटे के लिए जमाएंगे।
ये हमारे आइसक्रीम के 2 घंटे हो गए हैं फ्रीजर में से। देखिए अब हम खोलेंगे, देखिए कितनी बर्फ जम गई है, देखिए कैसे जम गई है हमारी आइसक्रीम, देख सकते हैं आप, देखिए कितनी टाइट होने लगी है। हम इसे निकाल लेंगे और एक जार में डालेंगे, देखिए अब हम जार में डाल देंगे और इसे चलाएंगे मिक्सी ग्राइंडर में। देखिए अब हम मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा हमारा ये, अब बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनेगी हमारी। स्मूथ पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा पेस्ट बन गया है, देखिए झाग भी आ गई है, देख सकते हैं। अब हम इसे दोबारा से देखिए कितना गाढ़ा पेस्ट हो गया है, देखिए हमने कर दिया है इसमें सारा बैटर को। अब हम इसे ड्राई फ्रूट डालेंगे, देखिए काजू बादाम पिस्ते इसे हमने काट कर रखे थे, ये हम डाल देंगे। पहले वाले हमारे सब ग्राइंडर में पिस गए हैं, ये आइसक्रीम जमने के लिए हमारी तैयार है। और हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में बंद करके रख देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमारी ओवरनाइट हो गई है, देखिए कितनी अच्छी से आइसक्रीम जम गई है। हम खोलेंगे, देखिए बाजार मार्केट से भी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई घर पर ही, कितना अच्छा कलर आया है, ड्राई फ्रूट भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और हम ये निकालेंगे एक बाउल में, आप इस तरह से घर पर बनाएं और खाएं आइसक्रीम, देखिए देखिए कितने अच्छे से हमारी निकल गई है आइसक्रीम, देख सकते हैं हम मार्केट से भी अच्छी बन गई है, कितनी टेस्टी बनी है हमारी। देखिए इस पर कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे हम, आपको बाजार में भी नहीं मिलने की इस तरह की आइसक्रीम, आप घर पर बनाकर खाएंगे तो बहुत शौक से बच्चे सब खा जाएंगे और बाजार के आपके पैसे भी बचेंगे घर पर इस तरह से बनाएंगे तो। आप ये हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है, आपको हमारी आइसक्रीम अच्छी लगी है तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा, एक बार बना के देखिएगा हमारी तरह से, और आपको लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।